इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने अहले बैत पाक को अलैहिस्सलाम बोलना चाहिए या रदी अल्लाह तआला ने बोलना चाहिए, हवाले के साथ बयान फरमाएं। जानम से हवाला तलब ना किया करो, जहाँ तक मुमकिन होता है मैं ख़ुद वीडियो के अंदर जो है ना वो हवाला ऐड कर देता हूँ किताब का, लेकिन हर मसले के लिए हवाला डालना, पेज या रेफरेंस डालना ये मुमकिन नहीं होता। आप ये तय करके आया करो, सवाल को समझना ही है या फिर हवाला लेना ही है, दोनों बातें एक चीज़ हैं, अलग अलग हैं। अगर बात को समझना ही तो उसमें हवाले की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हवाला ही चाहिए तो फिर पेज और जिल्द नंबर डाल दूँगा, एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा तो उसके अंदर फिर आप ख़ुद समझ लेना। तो ये हर मसले में ना हवाला मुमकिन नहीं होता। दो चीज़ें होती हैं, यानी अलैहिस्सलाम बोलने की बात चल रही है, गालिबा हज़रत अली को बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, एक होता है इल्म और एक होती है हिकमत। मसला क्या बयान करना है ये इल्म सिखाता है, और मसले को कैसे और कहाँ बयान करना है ये हिकमत सिखाती है। लिहाजा हर आदमी में दोनों चीज़ें मुकम्मल हों कि वो उसमें हिकमत, अकलमंदी, दानाई भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं, और उसमें इल्म भी हो हमेशा हिकमत के साथ, तो ऐसा ज़रूरी नहीं। ये दोनों मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ताला की जुदा जुदा शय हैं, ये दो नेमतें हैं। किसी में हिकमत ज़्यादा होती है तो किसी में इल्म ज़्यादा होता है। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मसला तो सही होता है क्योंकि मसले का इल्म होता है, लेकिन बयान करने का अंदाज़ या जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर वो फसाद हो जाता है, तो इसलिए इल्म और हिकमत दोनों से काम लेना चाहिए। सूरत हाल ये है कि अहले बैत पाक को अलैहिस्सलाम कहना जायज़ है या नहीं, कहने वाले जो कहते हैं वो दलील देते हैं, इमाम बुखारी ने लिखा है, हाशमी मियां साहब कहते हैं कि जायज़ है, और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का भी गालिबा नाम लेते हैं लोग के, उन्होंने भी कहा है कि जायज़ है। दूसरी बात यह है कि बास चीज़ें हवाले से, रेफरेंस से समझ में नहीं आती, तो उसमें इल्म मंतिक अच्छा काम करता है, फ़िलासफ़ी से समझने में आसानी होती है, और हमारे बुजुर्गान दीन का तरीक़ेकार भी यही था। हवाला देने से हर अकल एक्सेप्ट नहीं करती, हवाला एक्सेप्ट कर लेती है लेकिन पीछे का बैकग्राउंड समझ में नहीं आता, और मंतिक से समझाने का फ़ायदा ये होता है कि हर अकल उसको तस्लीम कर लेती है सामने वाले को। यानी ये ऐसा जाल होता है जो आदमी की अकल के चारों तरफ बिछाया जाता है, उसके बाद उसकी अकल और वही बोलेगी जो सामने वाला बुलवाना चाहे, उसे जायज़ कहलवाएंगे तो जायज़ बोलेगा, नाजायज़ कहलवाएंगे तो नाजायज़ बोलेगा, उसके अकल को पूरा काबू कर लिया जाता है। तो ये ज़्यादा कारगर साबित होती है फ़िलासफ़ी कुछ मसलों में एक्सप्लेन करने में, दूसरे दलीलों के एतबार से कि दलील दो चलते बनो, तो वो मैं थोड़ी कोशिश यही करता हूँ कि मसला अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। अब ये ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर हवाला ही हमेशा नोट किया जाए, बात अगर आपके समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बात छोटी होती है लेकिन वीडियो इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि एक्सप्लेनेशन कभी कभी करनी पड़ती है। हाँ, बात चल रही थी, क्या टॉपिक था, अच्छा अलैहिस्सलाम बोलने वाली बात चल रही थी। देखें, एक दुनिया के जितने भी तमाम आदमी हैं ना, यानी जितने भी हम लोग हैं, वो सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ही हैं। तो हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की निस्बत ही से आदमी कहलाए जाते हैं। मसलन ये कि आदम से निस्बत है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं तो आदमी, जिस तरह दिल्ली में रहने वाला दहलवी, बरेली में रहने वाला बरेलवी, इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद आदमी कहलाते हैं। ये लफ्ज़ भी इसी निस्बत से बना है। मसला ये है कि हज़रत आदम की औलादों में सिर्फ मर्द ही हैं या ख़वातीन भी हैं, तो ज़ाहिर है कि इनमें ख़वातीन भी हैं। तो मालूम ये चला कि लफ्ज़ आदमी हम ख़वातीन को भी बोल सकते हैं, और ये मसला है भी बिल्कुल दुरुस्त, यानी बात बिल्कुल हक है कि औरत को भी हज़रत आदम की निस्बत से आदमी कहा जा सकता है। औरत के लिए अब अलग लफ्ज़ तो कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम बात करें कि हज़रत आदम की औलाद को आदमी कहा जाएगा तो क्या औरत हज़रत आदम की औलाद नहीं है? ज़ाहिर है कि है। तो जब औरत भी हज़रत आदम की औलाद ही है तो ज़ाहिर है कि वो भी आदमी है। लेकिन होता क्या है कि अगर आप किसी को, यानी एक मर्द और एक औरत को खड़ा करेंगे और उसमें से आवाज़ देंगे आदमी को,
तो उसमें औरत गालिबन पलट के नहीं देखेगी, आदमी पलट के देखेगा। फिर आप उससे कहें कि मैंने तो उस औरत को आवाज़ दी थी, ज़ाहिर है वो ये कहेगी कि आपने आदमी बोला, तो आप उससे ये कहेंगे कि आप आदम की औलाद नहीं हो, आप आदमी नहीं हो, तो वो ज़ाहिर कहेगी कि हाँ इस नस्बत से तो मैं भी आदमी हूँ। या मैं अगर किसी को समझाने लगा या कहने लगा किसी औरत को, ए आदमी अपना ख्याल रखा कर, तो मुराद यही है हमारे उर्फ़ और समाज में कि यहाँ आदमी से मुराद आदमी होगा। तो अब क्योंकि बात तो सही है कि आदम की नस्बत से औरत भी आदमी है, मगर हमारे उर्फ के नस्बत से हम आदमी जब कहते हैं तो हम लोग उससे मुराद लेते हैं जेंडर मेल को, यानी फीमेल वर्जन को हम लोग इससे मुराद लेते हैं। और जब हम औरत या खातून या लड़की या इस तरीके के जुमले बोलते हैं तो उससे मुराद हम लोग लेडीज़ लेते हैं, औरत को लेते हैं, उससे मुराद हम फीमेल वर्जन लेते हैं। लिहाजा आदमी दलालत करेगा दोनों पर, यानी दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है, मर्द के लिए, औरत के लिए आदमी, लेकिन हमारा उर्फ इसको रिजेक्ट करता है क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं वो आदमी के लिए आदमी बोलते हैं, औरत के लिए नहीं बोलते। अब इतनी एक्सप्लेनेशन से बाज़ लोगों की तो बात पूरी अकल में आई गई होगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सूरत हाल अब ये है कि हमारे उर्फ़ के अंदर अलैहिस्सलाम बोला जो जाता है वो गालिबन शिया हज़रात की जानिब से ज़्यादा बोला जाता है कि वो अहले बैत पाक को अलैहिस्सलाम बोलते हैं। और हमारे उर्फ़ में जो सहाबा इकराम को या अम्बिया और फरिश्तों के सिवा को रदी अल्लाह ताला अन्हु बोला जाता है। अब मामला यह है कि शरीयत जो है वो उर्फ़ को एक्सेप्ट करती है, यानी उसको कबूलती है, दलील बनाती है शरीयत जो हमारे उर्फ़ में चीज़ें चल रही होती हैं, जिसकी दलील मैंने अभी आदमी से दी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उर्फ़ में कुछ भी चल रहा हो मुझे उससे क्या मतलब, ये जायज़ है तो जायज़ है। लिहाजा शरीयत की नज़ाकत ये है और इसका लोचदार होना भी इसी को कहते हैं कि आदमी के उर्फ़ में जो चीज़ चल रहा है शरीयत उसके हिसाब से ढलती है और फिर उर्फ़ के ख़िलाफ़ काम करने को मना करती है। तो इससे मालूम ये चलता है कि अगर हमारे उर्फ़ में कोई चीज़ ऐसी है कि जहाँ उस लफ्ज़ को बोल के कुछ दूसरी चीज़ मुराद ली जाती है तो हम वहाँ अपनी अकल नहीं चला सकते कि हमारा मतलब तो ये था, जिसकी मिसाल मैंने आदम से दी, कि अगर आप औरत को कहें आदमी और फिर किसी से झगड़ते रहें कि मैंने इसे आदमी कहा और आप साबित करने लगें तो आपकी बात सच होने के बावजूद भी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि इल्म और हिकमत दो जुदा जुदा चीज़ें हैं। मसला सही है, ये इल्म ने सिखा दिया लेकिन बयान कैसे करना था ये हिकमत सिखा ना पाई, तो इसीलिए आपकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। लिहाजा जिस उर्फ़ और समाज में अहले बैत पाक को अलैहिस्सलाम बोला जाता है और आप लोग बचपन से बोलते सुनते चले आए हैं तो वहाँ बोलने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है, यानी बोल सकते हैं। और इसी तरीके से जहाँ उर्फ़ और रिवाज और समाज में अहले बैत पाक को हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को अलैहिस्सलाम नहीं बोला जाता और यहाँ बोलने से शिया समझ लेते हैं तो ऐसी सूरत में वहाँ नहीं बोला जाएगा। खलीफा आला हज़रत मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैह रहमा ने भी बाहर शरीयत में इस चीज़ को लिखा है कि, यानी सिर्फ मसला लिखा, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखी, उसकी शराह ही मैं कर रहा हूँ, कि अलैहिस्सलाम जो है सहाबा इकराम को ये गैर अम्बिया को फरिश्तों को ये गैर फरिश्तों को नहीं बोला जाएगा। और उसकी वजह यही है कि उर्फ के अंदर जो चीज़ होती है उसके ऊपर उसका ख्याल रखा जाएगा। और आलिम के लिए भी ये चीज़ लाजिम व वाजिब है कि वो अपने उर्फ से आगाह रहे, ख़ास तौर से वो कि जिसका सामना आवाम से होता है, आवाम के मसाइल उनको हल करने पड़ते हैं, आवाम उनकी तरफ रुजू करती है, तो ऐसे उलमा की जमात को अपने उर्फ से आगाह होना ये ज़रूरी है, तभी वो मालूम कर सकेंगे कि जो चीज़ हमारे समाज में चल रही है उसका जवाब ऐसा ही होगा। बाज़ चीज़ें शरीयत में ऐसी होती हैं जो किसी ज़माने में नाजायज़ होती थी, उर्फ बदलने से जायज़ हो गई, ठीक है। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी ज़माने में जायज़ हुआ करती थी, उर्फ बदलने से नाजायज़ हुई, और बाज़ ऐसी जो कभी नाजायज़ हुआ करती थी उर्फ बदलने से जायज़ हो गई। तो शरीयत का लोचदार होना, हमारी शरीयत में रियायत होना, इसमें नरमी होना, इसको अच्छा दीन इसीलिए कहा जाता है कि आदमी की तबीयत के हिसाब से बाज़ मरतबा शरीयत ढल जाती है, उसके लिए आसानी पैदा कर देती है, उसके लिए रियायत और रास्ते निकाल देती है, जिससे मुसलमान को ज़िंदगी जीना दुश्वार नहीं होता, उसके लिए आसानी हो जाती है। अब इसकी दो मिसाल जो मैंने अभी दी हैं, जैसे कि नाजायज़ थी पहले बाद में जायज़ हो गई, इसकी मिसाल आप पैंट शर्ट ले लें
कि पहले के वक्त में इसको पहनना नाजायज़ और गुनाह था, लेकिन आज के वक्त में मुसलमान को पैंट शर्ट पहनना नाजायज़ और गुनाह नहीं है। उर्फ बदला, मसला बदला, शरीयत बदली, आसानी आई, जैसा उर्फ हुआ शरीयत ने दलील को एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरीके से जो चीज़ें पहले जायज़ थी उसमें औरत की मस्जिद की हाज़िरी की मिसाल ले लें कि पहले जायज़ थी अब नाजायज़ हो गई, वजह क्या हुई कि उर्फ बदला, मसला बदला और शरीयत तब्दील हो गई, तो अब जो उर्फ है उसी पे अमल किया जाएगा, पिछली बात को नहीं लाया जा सकता। अब रहा ये कि इमाम बुखारी ने लिखा है अलैहिस्सलाम कह सकते हैं तो लिहाजा कहना जायज़ है। पहले मैं जायज़ वालों को एक जवाब देना चाहूँगा कि जायज़ तो 12 महीने चटनी से रोटी खाना भी है, और मेहमान के आगे, हर मेहमान के आगे चटनी रख देना भी जायज़ है। लेकिन इस जायज़ पर कौन अमल करता है जो अलैहिस्सलाम को इमाम बुखारी के लिखने पर जायज़ 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 चिल्ला रहे हैं, क्या वो ये अमल कर लेंगे कि 12 महीने चटनी से रोटी खाएं? हराम तो ये भी नहीं है चटनी, तो 12 महीने चाटो चटनी, इसको भी जायज़ बोलो और इस पर भी जायज़ पर अमल कर लो। लिहाजा अपने नफ्स की पैरवी करने को थोपा नहीं करते किसी पर, जो उर्फ होता है और जो शरीयत होती है मसला उसी के मुताबिक और उसके अनुसार ही बयान किया जाएगा। लिहाजा जहाँ पर काफिर से यानी शिया से मुशाबहत करार पाई जाएगी वहाँ पर अलैहिस्सलाम नहीं बोला जाएगा, उसको थोपा नहीं जा सकता। अभी मेरे ख्याल से राजस्थान से मेरे को मालूम ये चला, एक चैनल वाले हजरात ने मुझे बताया कि वहाँ पर अलैहिस्सलाम बोलने का उर्फ़ है राजस्थान में, कि वहाँ सभी मुकर्रर हजरात और दीगर उलमा भी जो है ना अहले बैत पाक को अलैहिस्सलाम बोलते हैं। तो वहाँ का उर्फ हो जाने से पूरे भारत पे उर्फ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मुमकिन है कि उनके शहर, कस्बे, गली, मोहल्ले, करिया, बस्ती, इलाके, सिटी वगैरह के अंदर उर्फ हो तो वो लोग बोलते होंगे, लेकिन उनकी बात को दूसरी जगह दलील नहीं बनाया जा सकता। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं ना, जितनी मुख्तलिफ़ हैं कि एक मसला किसी के लिए नाजायज़ हो सकता है तो किसी के लिए जायज़ हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। इसीलिए ये लचीली शरीयत है, लोचदार है, तो इसमें ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ आलिम ने बोल दिया तो हम बोलेंगे। लिहाजा हाशमी मियाँ साहब ने ये कहा था कि अलैहिस्सलाम बोलना भी जायज़ है, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हर जगह जहाँ मुशाबहत भी पाई जाए बोल दो, जहाँ बदगुमानी हो बोल दो, जहाँ लोग शिया समझ बैठे बोल दो, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, पहली चीज़। दूसरी ये कि इमाम बुखारी ने लिखा है अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि जी, अब इस पर क्या जवाब दोगे? मैं उस पर ये जवाब देना चाहता हूँ उन लोगों को कि जो ये कहते हैं इमाम बुखारी की दलील को, कि हम इमाम बुखारी के मुकल्लिद नहीं हैं। पहली चीज़, इमाम बुखारी की कोई कौल या कोई चीज़, उनकी कोई बात लिखना हमारे लिए यानी हनफी उल मज़हब के लिए ये हुज्जत नहीं हो सकती। पहले आप इस बात को समझ लें, ठीक है। बात बहुत कड़वी से लग रही होगी, लेकिन एक हक है, इसीलिए कड़वी भी लग रही होगी। लिहाजा हम लोग इमाम बुखारी से हदीस लेते हैं, उसूल फ़िक नहीं लेते, और फ़ुरू और रूल्स रेगुलेशन के अंदर जो हमारे शरई मसाइल हैं हम उसमें मुकल्लिद हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के। तो आप ये बात जहन नशीन रख लें कि इमाम बुखारी हर मसले में नहीं चिल्लाया जा सकता, लिहाजा वो शाफ़ई मज़हब के मानने वाले हैं, हम उनके मसाइल और उनके अकवाल को हर चीज़ में हुज्जत नहीं बना सकते। बाज़ मरतबा उनके बहुत सारे मसाइल को हम रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करना ही होगा अगर अपने मसलक पे अमल करना है। लिहाजा उन्होंने अगर अलैहिस्सलाम लिख दिया तो ये दलील नहीं बन सकती कि आपने लिख दिया तो आप बोलो उन्होंने लिखा है तो जायज़। उन्होंने तो एक बाल पर मसे करने को भी फ़र्ज़ लिख दिया, तो क्या आप उसको मान लोगे? अगर उनकी दामन पकड़कर बचने की कोशिश करते हो तो उनके जो शाफ़ई मज़हब के मसालिक हैं, जो उनके मसाइल हैं, उन पे भी आप अमल कर लो। तो उन्होंने बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं जो हमारे मसलक के ख़िलाफ़ हैं और हम उन पर अमल नहीं कर सकते। लिहाजा किसी मुहद्दिसीन की कॉल को दलील बनाना ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए वो हुज्जत करार पाए। दूसरी बात यह है कि किसी बुज़ुर्ग और वली का कौल कहीं उर्फ में हुज्जत कायम कर सकता है, और कहीं पे वो मुकाबिल भी हो सकता है उर्फ के। तो जहाँ पे वो उर्फ के मुकाबिल पाया जाएगा तो वहाँ कौल की नफ़ी की जाएगी, उर्फ को कबूला जाएगा। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला ने बात लिख दी कि अहले बैत को अलैहिस्सलाम लिख दिया, तो ये हनफियों के अंदर दलील नहीं बन सकती कि आप उसको हर जगह अलैहिस्सलाम बोल दो और इमाम बुखारी की दलील दो, क्योंकि हम इमाम बुखारी के मुकल्लिद नहीं हैं। हम उनसे हदीस लेते हैं, हम उनसे फ़िक के उसूल नहीं लेते, और हम उनकी पैरवी तकलीद में भी नहीं करते। तो ये चीज़ तो पहले काबिल कबूल नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो अब जायज़ हो जाएगा। दूसरा, मैंने बताया कि बहुत सी जायज़ चीज़ें जैसे चटनी का खाना भी 12 महीने, तो इस पर कोई अमल नहीं करता। लिहाजा इसी तरह अगर मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी
साहब ने भी अगर कहीं कहा हो या लोग कहते हैं कि वो भी कहते हैं अलैहिस्सलाम, तो मैंने फिर बताया कि किसी का कहना, हम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की भी पैरवी नहीं करते ना, हम उनके भी मुकल्लिद नहीं है, ठीक है। तो हमें पैरवी किसकी करनी है, शरीयत की करनी है, और हम हनफी होने की वजह से जो मसाइल मानेंगे या जो फ़ुरू के जो कायदे मानेंगे वो शरीयत के मानेंगे। और कायदा ये कहता है कि अगर उर्फ के कोई बात खिलाफ होगी तो उससे रोका जाएगा, अगरचे दूसरा आलिम उसको कहे उस बात को दलील नहीं बना सकते। लिहाजा इल्म के साथ कभी हिकमत से भी काम लेना चाहिए कि किसी दूसरे मोहल्ले इलाके में कही जाने वाली बात अपने लिए दलील नहीं हो सकती। तो ऐसे उर्फ और समाज में कि जहाँ अलैहिस्सलाम बोलना शिया से मुशाबहत करार पाता वह नहीं बोला जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं देखा जाएगा कि फ़लाँ मुफ्ती साहब ने फ़लाँ लामा साहब ने बोल दिया तो ये जायज़ हो जाएगा, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमान है जो इन सब से ऊँचा है, और वो ये है कि मुशाबहत करने वाले पे लानत फरमाई है और इससे मना किया है, रोका गया है। तो जब अगर अलैहिस्सलाम बोलने से लोग वहाँ शिया मुराद लेते हैं और उस दौर में वहाँ बोला ही नहीं जाता, तो ज़ाहिर है कि फिर पहले अमल हदीस पे होगा, ना कि इमाम बुखारी की कॉल पे होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को ख्याल में रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, यानी इस मसले की भी मैं हकीकत बयान कर दूँ एक मिसाल के ज़रिए ताकि आपको समझ में आ जाए, कि अगर हाशमी मियां साहब के इलाके में मछली खाने को गोश्त तसव्वुर किया जाता है, यानी वहाँ के आवाम जो है मछली को भी गोश्त बोलती है, और वहाँ पर अगर कोई शख्स कसम खाए कि मैं एक हफ्ते तक गोश्त नहीं खाऊंगा, तो जाहिर है कि उनके इलाके में अगर कोई कसम खाने के बाद मछली खाएगा तो उसकी कसम टूट जाएगी। इसी तरह हमारे शहर दिल्ली के अंदर मछली को गोश्त मुराद नहीं लिया जाता, और यहाँ पे कोई शख्स कसम खा ले कि मैं एक हफ्ते तक गोश्त नहीं खाऊंगा और फिर वो मछली खा ले, तो उसकी कसम नहीं टूटेगी। अब एक दीन है, एक शरीयत है, लेकिन मसले दोनों तब्दील हैं कि एक जगह कसम टूट जाएगी, एक जगह नहीं टूटेगी। इसकी वजह क्या है कि शरीयत जो है वो उर्फ को एक्सेप्ट करती है, उर्फ को कबूलती है, और उर्फ बाज़ मसाइल में दलील बनते हैं। तो लिहाजा अब ये कहो कि हाशमी मियां साहब अगर ये कह दें अपने उर्फ के हिसाब से, और ये मिसाल है, मैं बात समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, कि अगर वो कह देंगे किसी को कि आपने मछली खाई है, और उन्हें अपना उर्फ मालूम है कि वहाँ मछली से मुराद गोश्त लेते हैं, और वो किसी को ये मसला बताएं कि जी आपकी कसम नहीं टूटी या आपकी कसम टूट गई क्योंकि आपने मछली खा ली है और गोश्त ना खाने की आपने कसम खाई थी, कसम टूट गई। अब वो शख्स अगर दूसरे शहर में जाके बोले किसी और से कि मछली से कसम नहीं टूटती क्योंकि हमें हाशमी मियां साहब ने मना किया, तो ये बात दूसरे शहर में जाके एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर भी अलग उर्फ देखा जाएगा कि वहाँ मछली से मुराद क्या है। तो वहाँ का आलिम जानता होगा कि मेरे उर्फ का मामला क्या चल रहा है। तो किसी एक कॉल को और एक बात को किसी भी मसले में, ये सिर्फ अलैहिस्सलाम बोलने का मसला नहीं है, एक जनरल कॉमन कायदे में बयान कर रहा हूँ कि कहीं पर भी किसी भी मसले को किसी एक बात को लेकर दूसरे उर्फ में उसे थोपा नहीं जा सकता। तो इसीलिए अलैहिस्सलाम जहाँ पहले से बोलते चले आए हैं अलैहिस्सलाम, तो वहाँ बोलने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि जायज़ है, इसलिए बोलने में हर्ज नहीं। दूसरी बात यह कि जहाँ नहीं बोलता तो वहाँ बोलने से बचना चाहिए। अभी होता क्या है कि जो मुकर्रर हज़रात होते हैं ना तकरीर करने वाले, उनको भी वैसे ये चीज़ चाहिए कि जहाँ वो तकरीर करने के लिए जाए ना, अब ऐसा भी नहीं होता कि सीधा मंगल ग्रह से लैंडिंग करी और सीधे कुर्सी पर आके तकरीर शुरू कर दी। तकरीर से पहले बाकायदा खाने वगैरह का इंतज़ाम होता है, उलमा की मुलाकात होती है, इलाके के मस्जिद के दूसरे इमाम आते हैं, मुलाकात करते हैं। तो मुकर्रर हज़रात को थोड़ा हिकमत से यहाँ ये काम, यानी जो नए आने वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मुकर्रर हैं उनको तो मैं नहीं समझा सकता, बड़े हैं वो और अच्छा भी नहीं लगता। तो जो इन फ्यूचर जो मुस्तकबिल में बनेंगे, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मुकर्रर बनेंगे, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब भी आप कहीं जाएं तकरीर करने, तो वहाँ पर ये चीज़ पहले एक्सप्लेनेशन उलमा की, वहाँ लोग मौजूद होते हैं, कमेटी भी होती है जो बयान आपका करा रही होती है, तो उनसे ये चीज़ पूछ लेंगे, मैं इस मौजू पर बयान करूँगा, एक घंटा मेरा टॉपिक ये रहेगा, अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करूँगा, तो यहाँ आपके वहाँ क्या उर्फ चलता है, क्या यहाँ पर जो है मामला है इस चीज़ को लेकर, कोई ढकी छुपी बात हो तो बताओ। तो वहाँ के उलमा की भी ये ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जब कोई नया मुकर्रर राय बयान करने, तो आप उनसे पूछ लेंगे आप किस मौजू पे बयान करेंगे, वो बताएंगे जी मैं कौम की ये वाली खामियां बयान करूँगा, तो उलमा जो है वहाँ का उर्फ भी बयान कर दें कि अच्छा आप अगर अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करें तो यहाँ पर अलैहिस्सलाम नहीं बोला जाता, और बोलोगे तो शिया समझेंगे, तो इससे नुकसान ज़्यादा, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलें। मुकर्रर को भी ये बात मान लेनी चाहिए, लिहाजा बयान करने वालों को भी चाहिए और बुलाने वाली कमेटी को भी चाहिए कि आप जिस मौके महल पर
मुकर्रर को बुला रहे हैं बयान करने के लिए, तो अपने उर्फ से वहाँ आगाह कर दें कि जी हमारे इलाके में इस चीज़ से ये मुराद ली जाती है, अगर आप ये बोलेंगे ना तो आप इससे कुछ भी मुराद लें, लेकिन आवाम इसको यही समझेगी, तो आप ये चीज़ ना बोलें ये चीज़ बोलें, तो इससे क्या होगा, लोगों के अंदर नौजवानों में बहुत सारे फितने टल जाएंगे। अब अगर ये ज़िद पे ही कोई मुकर्रर अड़ जाए स्टेज पे बैठ के कि अलैहिस्सलाम बोलना जायज़ है, जो नहीं बोलेगा वो अहले बैत का बागी ये वो, तो ये सब मैं समझता हूँ कि शायद हिकमत की कमी है कि हर जगह अपनी हट धर्मी नहीं चलती, मसला जायज़ होने के बाद भी कभी कभी नए बयान किया जाता, तो आप उर्फ में देखें कि फसाद किस चीज़ से हो सकता है, उस चीज़ को अकलमंदी यही कहती है कि आप रोकें, रज़ी अल्लाह ताला बोलेंगे तो शान कोई घटेगी नहीं, और हम उर्फ भी यही है। इससे दूसरे नुकसान ये होते हैं कि बयान करने के जाने के बाद ना आवाम बदगुमानी गईबत चुगली और बहतान वगैरह के अंदर मुब्तला हो जाती है, जैसे आप बयान करके निकल जाएंगे जोश व जुनून के अंदर कि जी अलैहिस्सलाम बोल सकते हैं, उन पे थोप के चले जाएंगे, तो बाद में क्या होगा जाने के, क्योंकि ये चल रहा होता है ना समाज में, तो इसलिए मुझे इसकी खबर है कि ऐसा होता है कि बाद में कौम ये कहती है यार वो शिया थे क्या, वो अलैहिस्सलाम बोल रहे थे हज़रत अली को बार बार, उनको अलैहिस्सलाम लग रहा है वो शिया थे, तो इससे क्या होता है आपके पीछे लोग तानाजनी करेंगे, मुकर्रर की गइबत करेंगे, चुगली करेंगे, खुद भी गुनाह के अंदर मुब्तला होंगे और आपको भी जिल्लत पर पेश होने का मौका मिलेगा। लिहाजा आपको भी यानी मुकर्रर हज़रात को भी इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए कि हमेशा उर्फ की ख़बरदारी रखें और बयान से पहले वहाँ आगाही ले लें उलमा से, और उलमा और कमेटी की भी ये ज़िम्मेदारी है कि ऐसा काम करें कि, और जहाँ पर कमेटी या उलमा मना कर दें कि हमारे उर्फ में ऐसा नहीं चलता आप ये चीज़ ना बोलें, तो वहाँ मुकर्रर को चाहिए कि मान जाए और उस चीज़ को फिर ना बोले, क्योंकि उसका मकसद कौम के अंदर अच्छाई फैलाना है, और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना किया कि ऐसी बातों से बचो जो कानों को बुरी लगे, ख़ुद को ज़िल्लत पे पेश करने से बचो। और ऐसा भी मनकूल है रिवायतों के अंदर मिलता है कि कोई आदमी ऐसी बात करे कि जिसको लोग इनकार ही कर दें, उनके सर से गुजर जाए, तो इससे भी बचना चाहिए। तो ऐसी बात है कि जहाँ अलैहिस्सलाम बोला ही नहीं जाता आप ज़बरदस्ती ना बोलें, जहाँ बोला जाता है बोलें। खुलासा कलाम ये है कि जहाँ अलैहिस्सलाम बोलने से कहीं पर शिया मुराद नहीं लेते और वहाँ उर्फ में बोला जाता और अब बचपन से बोलते आए हैं, तो वहाँ रोका नहीं जाएगा क्योंकि जायज़ है। और जहाँ हज़रत अली या अहले बैत पाक के साथ अलैहिस्सलाम बोला नहीं जाता और बोलने से शिया होना बद मज़हब होना मुराद लेते हैं, तो वहाँ बुलवाया नहीं जा सकता। तो जहाँ बोला जाता है रुकवाया नहीं जा सकता, जहाँ नहीं बोला जाता वहाँ बुलवाया नहीं जा सकता। इस मसले को इससे ज़्यादा एक्सप्लेन शायद करवाया भी नहीं जा सकता।